तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए और ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आज अपने गांव में, और आज की ब्लॉगिंग हमारी स्टार्ट होती है यहां से। तो देखिए, आ चुके हैं अपने गांव में, तो और आज अपने गांव के पूरे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, हरी भरी एकदम नज़ारा, क्योंकि आ गया है धान का समय, धान का रुपाई का समय। और थोड़ा हम भी आ चुके हैं अपने गाँव में, और चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग बन रही, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। तो देखिए, इधर धान की रुपाई स्टार्ट हो चुकी है, और हम भी अपने खेत में चल रहे हैं। पिताजी और हमारे भाई खेत में ही हैं, और देखिए पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो काफ़ी सुंदर सा एकदम मौसम बना हुआ है, बदली छाई हुई है। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग बन रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। तो आपको चलते हैं दिखाते हैं। तो हम पगडंडियों के सहारे चल रहे हैं अपने खेत पर है, थोड़ा हम पगडंडियों के सहारे चल रहे हैं अपने खेत के। तो कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है पूरा चारों तरफ गांव का। तो ये पक्षी है, देखिए दोस्तों, हमको देखी तो ये आवाज करना स्टार्ट कर दी। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए, हमारे खेत के बगल धान की रोपाई हो चुकी है, तो हम लोग भी चल रहे हैं अपने खेत में, मेड़ रोड बांधा जा रहा है। तो यहाँ धान की रोपाई हो ही चुकी है, तो अपने खेतों में चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हमारे पिताजी और हमारा छोटा भाई खेत में जुटे हुए हैं, तो हम भी आ चुके हैं खेत में। तो घर पे आ चुके थे, तो सोचे क्यों ना खेत में चले चले, और बगल में ट्रैक्टर चल ही रहा है, जुताई कर ही रहा है। तो जितने लोग गाँव से हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। आप लोग चलते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, तो देखिए बगल में भी चल रहा है पानी यहाँ से। ये है हमारे खेत की मेड़, हम लोग बांध कर मजबूत कर दे रहे हैं यहाँ से। और हमारा छोटा भाई बांध रहा, बगल में देखिए टक्कर इधर चल ही रहा है जुताई करने के लिए। और पिताजी और हमारे भाई दोनों लोग बांध रहे हैं। हे यहाँ बा, हे श्रेया, हे आए रहू तो अब ये मेरी ओर ये करवाए था। हाँ, तो गाइस देख रहे हैं एकदम काले काले बादल पूरा छाया हुआ है, और यहाँ का मौसम देखा जाए दोस्तों तो एकदम से बारिश का बना हुआ है, और खेतों में हर तरफ हरियाली ही हरियाली आपको नजर आएगी। और क्योंकि यहाँ दोस्तों अब है जरई की बैठवाई होना स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम भी अपना खेत पूरा एकदम रेडी कर लिए हैं। कल से होगी यहाँ पर बैठवाई, जरई की रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। और पूरा मौसम की बात की जाए तो मौसम दोस्तों काफ़ी अच्छा हुआ बना हुआ है, और बारिश धीरे धीरे एकदम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग अपने खेतों में ट्रैक्टर लेकर एकदम घुस चुके हैं, और जुताई रुपाई सब स्टार्ट हो चुका है। आज तक ना बना पाए, ट्राई क्यों ना करना चाहते हैं। तो गाइस आज देखिए बरसात हो ही रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी में बनने ही वाला है क्या हरा। तो देखिए यहाँ पर बेसन सब तैयार रखी। हाँ, अब सरेवा सबसे पहले भाग पहुंची। तो गाइज तो आज बनेगा फा, और ठंडी का बरसात की इस मौसम का हम लोग लुत्फ उठाएंगे। और देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे।
बारिश के मौसम में मिलने आते हैं। बस भैया हम भीग जाते बाहर चलते अंदर भीज। तो गाइज तो आज मिलेगा मौसम हो गया बहुत मस्त, बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी जिम 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 करके, और यहाँ देखिए बन रहा हमारे घर आज खड़ा। तो हम घर पे पहुँच चुके हैं, तब तो हल्का मच चुका है थोड़ा सा। तो आप लोग ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा अभी भी। ये तो हमारे की पगली बाटे करे बोले सहुर ना बाटे। भाई बोले है तो भाई ने है बोले सहुर को तो रे तो गाइस आप लोग ब्लॉग बने रहिए। अभी आपको ब्लॉग दिखाते हैं, बारिश होना स्टार्ट हो गया ना, चल रहे हैं खेत में जाने वाले थे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग बने रहिए और ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखते हैं अभी, यहाँ देखिए बारिश स्टार्ट हो चुका है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।